स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा पर। तो सुबह के बज चुके हैं 6, हम पढ़ेंगे डेली जीके करंट अफेयर में आज 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब बता दीजिएगा मुझे मेरी आवाज आप तक क्लियर है और आप लोग कैसे हैं, एक बार फटाफट से मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। मेरे सभी साथी, मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी दोस्त कैसे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से बताएंगे। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुबह की नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। दोस्तों चलिएगा सेशन को शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, बिल्कुल आवाज एकदम बिल्कुल ठीक है, मैं अपने एंड पे चेक कर चुका हूँ, तो एक बार आप सभी भी फटाफट से चेक कर लीजिएगा। और जिसने ईयरफोन नहीं लगाए हैं, जिसको आवाज थोड़ी कम आ रही है, वो ईयरफोन को एक बार जल्दी से लगा लेगा फटाफट से। चलेगा साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सुबह के 6 बज चुके हैं, फटाफट से 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको लाइक और शेयर कर दें जल्दी से, ताकि ये सभी लोगों तक आप लोगों का जो सेशन है वो पहुंच पाए। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुजीत, विश्वकर्मा, सारिका, अर्टा, सत्येंद्र, दीपक, नवनीत, दीपा, सिद्धार्थ, दीपक, नवीन, सत्येंद्र, अट्रा, सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। और जिन प्यारे बच्चों का नाम नहीं ले पाया उनको भी प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। तो सुबह के बज चुके हैं दोस्त कितने, 6, और सुबह के 6 बजे करंट अफेयर ताजा ताजा में आप लोगों को जो है यहाँ पर स्वागत है। तो चलिएगा फटाफट से एक बार जल्दी से सेशन को शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका कोई भी एग्जाम है दोस्त, चाहे एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, जहां पर भी करंट अफेयर पूछी जाती है, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर बैठे हुए हो। जितना भी करंट अफेयर आपको मैं पढ़ाऊंगा वो सारे एग्जाम को कवर करेगा, इवन जो आपका यूपीपीएससी का एग्जाम होता है उसको भी वो क्या करेगा, कवर करेगा। चलिएगा फटाफट से एक बार आगे चल जाते हैं। बहुत बढ़िया, सारी राजू, सुजीत, विश्वकर्मा, सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक जरूरी सूचना है कि भाई घर बैठे कैसे करें तैयारी। जैसे कुछ लोग लगातार हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग करते थे, या जिनकी कोचिंग अचानक से बंद हो गई, या आप में से भी सभी लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं, जिनको भी अगर चाहिए कि बच्चों अगर किसी को एसएससी की तैयारी करनी है, या फिर किसी को रेलवे की तैयारी करनी है, या फिर किसी को ईपीएफओ की तैयारी करनी है, या फिर कोई भी मतलब एग्जाम जिसको आप टारगेट करके तैयारी कर रहे, चाहे बैंक का कोई एग्जाम है, चाहे आपका सेबी का कोई भी एग्जाम है आप लोगों का, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि उससे रिलेटेड आप लोगों को अगर क्लासेस चाहिए, उससे रिलेटेड आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए, उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको विजिट करना पड़ेगा कहां पर, adda247.com पर, adda247.com पर। और जो भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगी उसको आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको वहां पर क्या होगा बच्चों, ये कोड आपको अप्लाई करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से, वो विजिट कर सकता है adda247 पर। चलिएगा, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो जैसे मेरा करंट अफेयर का बैच है करंट अफेयर मास्टर, जिसके अंदर मैं आपको 3600 एमसीक्यू स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराने वाला हूं, तो इस बैच को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ये बैच आपका रनिंग में चल रहा है, अभी 3 से 4 क्लासेस हुई है, डेली 11 से 12 बजे तक आप लोगों का ये बैच चल रहा है, 1 घंटा डेली आप लोगों का ये बैच चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो यहां पर मेरे सभी साथी अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट करके शेयर कर देंगे वीडियो को, तो जितनी भी अगर कोई डाउट है आपका तो मुझे बताएंगे। यस साक्षी जी बिल्कुल ठीक है, राहुल, कोहली, कृष्णा, सिद्धार्थ, सारिका, तो ये जरूरी सूचना थी जो आप लोगों तक दी। अब चलिएगा आज की अगर मैं बात करूं, तो आज जो है 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक डाउट है जो मैं आप लोगों का अभी क्लियर कर दूंगा। बच्चों मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे, होमवर्क डिस्कशन हमारा इसमें शामिल होगा, जो बेस्ट एमसीक्यू होंगे आज के उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर डेली न्यूज जितनी भी हमारी कल की और आज की मिलाकर के जो भी हमारी न्यूज बनी हुई होंगी उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ में ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा आपका एडीबी होगा, आईएलओ होगा और डब्ल्यूएचओ होगा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। और साथ की बात करूंगा मैं टॉप 10 एमसीक्यू ऑफ द डे, जिसको आप टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं अपने, कि आज के जो टॉप 10 एमसीक्यू है टेस्ट के तौर पर उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और स्टेट ऑफ द डे में जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा आंध्र प्रदेश चला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और बाद में होगा आप लोगों का होमवर्क ऑफ द डे, जो कि आपको होमवर्क का आंसर करना मैंडेटरी है, ठीक है दोस्त। एक बार जल्दी से फटाफट से बढ़ जाते हैं।
ओके दोस्त बिल्कुल, कल का पीडीएफ नहीं मिला सत्येंद्र जी, कल का पीडीएफ थोड़ा लेट आया था तो आप उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो पीडीएफ आप लोग ना बच्चों अगर कई बार लेट हो जाता है तो थोड़ा ध्यान देंगे, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाता है बेफिक्र है, थोड़ा देर से ही मिल जाता है लेकिन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा तो आज की मॉर्निंग मोटिवेशन से मैं चीजों को शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जिन्हों आपको नींद नहीं आने देती। मतलब देखो सिंपल सी बात है, सपने देख तो रहे हैं हम लगातार सो रहे हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए भी अगर मैं जैसे मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि दोस्त सबसे पहले ना सुबह उठिए, और सुबह उठते के साथ ही आप लोग अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिएगा कि आज मुझे मैथ्स में ये पढ़ना है, आज मुझे रीजनिंग में ये पढ़ना है, आज मुझे करंट अफेयर में सर का सेशन देखना है, और लास्ट मुझे इस वाले दिन की पीडीएफ को रिवाइज करना है। मतलब एक मेरा डेली आप करंट में सेशन देखिएगा, एक प्रीवियस सेशन की पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये टारगेट आप कुछ इस तरह से अपना सेट करिएगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और बाद में शाम को देखिएगा कि क्या आपका टारगेट अचीव हुआ। अगर वो अचीव हुआ तो नींद बहुत अच्छी आएगी, अगर वो अचीव नहीं हुआ तो नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी बच्चों, नींद ही नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो चलिएगा चलते हैं अब्दुल कलाम जी की ये बात। अब अब्दुल कलाम जी को करंट अफेयर से जोड़ते हैं। मेरे दोस्तों अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन जो बर्थडे आता है वो 15 अक्टूबर को आता है, और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। साथ की अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों तो ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मतलब अगर आपसे कई बार पूछा गया कि अब्दुल कलाम जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो मेरे दोस्तों 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और समटाइम्स पूछ लिया जाता है विंग्स ऑफ फायर, मेरे दोस्तों विंग्स ऑफ फायर किसकी जीवनी पर आधारित है, किससे रिलेट कर रही है, तो विंग्स ऑफ फायर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी पर रिलेट करती है, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या रखनी है, याद रखनी है। सारी चीजें क्लियर है तो एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मेरे दोस्त देखो एक चीज क्या होती है कि कई बार ना कुछ चीजें जल्दबाजी में क्या होता है कि मैं कई बार एक दो चीजें ना स्लिप ऑफ टंग की वजह से ना गलत बोल जाता हूं। जैसे कल की ही बात ले लो तो, लेकिन आप लोगों के जब मैंने कमेंट पढ़े और कमेंट पढ़ने के बाद मैंने आपकी अपनी वीडियो देखी, तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि गुजरात की कोस्टलाइन जो है वो सबसे बड़ी है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की जो कोस्टलाइन है वो सबसे बड़ी है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की कोस्टलाइन सबसे बड़ी नहीं है, वो 975 किलोमीटर है आप लोगों की। गुजरात की कोस्टलाइन आप लोगों की सबसे बड़ी है, जो कि लगभग लगभग 1600 किलोमीटर की है। ये बात आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, कल के सेशन में मैंने आप लोगों को क्या बोल दिया था, आंध्र प्रदेश बोल दिया था। बाद में मैंने जब अपना सेशन देखा तो तब मुझे रियलाइज हुआ, और बाद में आपके जब कमेंट पढ़े मैंने नीचे, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से फीडबैक देते रहिएगा, अगर कोई चीज गलत हमारी हो जाती है तो हम उसको मिलकर के ठीक कर लेंगे, ठीक है। बाय चांस ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि रोज ही होगा, तो बाय चांस ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का जो आ जाएगा दोस्तों, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है और आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, यह बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बात करते हैं फटाफट से। अगर मैं बात करूंगा तो आपको जो हमारा क्या कहते हैं दोस्तों कैपिटल आप लोगों से पूछी गई थी, तो कैपिटल में मुझे आप लोगों ने ना कुछ लोगों ने तो सही बताया, लेकिन कुछ लोग जो है वो गलत बता रहे थे। तो यहां पर अगर हम बेलारूस की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो बेलारूस की जो कैपिटल है वो जो बेलारूस की कैपिटल है मेरे दोस्तों, बेलारूस की कैपिटल क्या है? हां जी बिल्कुल, आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं, तो कमेंट एक बार जल्दी से ना सभी चीज क्या कहते हैं कमेंट जो है करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों फटाफट। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मिंशक बनेगा। अगर मैं बेलारूस की बात करूंगा तो बेलारूस की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, मिंशक है। लेकिन कीव किसकी कैपिटल है, तो यहां पर मेरे दोस्तों बता देंगे कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है आप लोगों की, कीव। और साथ में बात करूंगा मैं जो आपकी वीनियस है मेरे दोस्तों, ये लिथुनिया की है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और वॉर्सा आप लोग जानते ही है, जल्दी से मुझे बता देंगे भैया वॉर्सा किसकी है, तो जल्दी से बताएंगे। कुछ लोगों ने नॉर्वे की बताई थी वॉर्सा, मेरे दोस्तों नॉर्वे की वॉर्सा नहीं है, नॉर्वे की ओस्लो है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है। अब बता दीजिएगा वॉर्सा किसकी है फटाफट से जल्दी से। तो ये आप लोगों का सारा था, फिर से एक बार बता दूंगा, कीव जो है दोस्तों यूक्रेन की कैपिटल है, और जो मिंसक है वो हमारा आंसर होगा बेलारूस की, और जो वॉर्सा है मेरे दोस्तों वो पोलैंड की कैपिटल है, और जो आपका विल्नियस है वो मेरे बच्चों लिथुनिया की कैपिटल है। तो ये बात आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है।
ओके, कोई दिक्कत नहीं दीक्षा जी, अगर नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आंसर आप लोगों को जरूर देना है। जाट की अलावा चौधरी साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग क्या देंगे, ध्यान देंगे, पेन कॉपी को लेकर के बैठ जाइएगा और फटाफट से इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स के अंदर। बच्चों बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कौन सा वो नेशन है जिसने अपनी फंडिंग को रोक दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फंडिंग के लिए कुछ टाइम के लिए रोक दिया है। मेरे दोस्तों आप लोगों का सभी का आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, यूएसए। तो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया अब थोड़े दिन के लिए जो कोरोना वायरस के चलते वहां जो हमारी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग है उसको रोक दिया जाए। क्लियर है मेरे दोस्तों, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिएगा सर, चाइना की मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, ये वायरस आप लोगों का चाइना से शुरू हुआ था और चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो एससीओ है आप लोगों का, एससीओ का मतलब क्या होता है, संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मेंबर कंट्री है मेरे दोस्तों 8 मेंबर कंट्री है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का कहां पर है, बीजिंग के अंदर है। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सर एससीओ की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो दोस्तों एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप लोगों की रशियन है और चाइनीज है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सर एससीओ के हेड कौन है, मेरे दोस्तों एससीओ के जो हेड है उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। क्या नाम है उनका, व्लादिमीर नोरोव है, ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके दोस्तों, एससीओ का हेडक्वार्टर आप लोगों के बीजिंग के अंदर है, एससीओ के मेंबर कंट्री 8 है, रसिया मेरे दोस्तों और रशियन और चाइनीज क्या है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और व्लादिमीर नोरोव जो है इसके मेरे दोस्तों क्या है, आप लोगों के हेड है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा चाइना से ही रिलेटेड, तो चाइना के अंदर 2022 जो कि अभी 2 साल बाद है आप लोगों का, वहां पर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, एक तो आप लोगों का एशियन गेम्स आप लोगों के चाइना के अंदर होंगे, ये बात याद रखेंगे। सर कौन से नंबर के एशियन गेम्स होंगे, तो मेरे सभी दोस्त बता देंगे, जो एशियन गेम्स होंगे मेरे दोस्तों वो आपके 19th नंबर के होंगे, अर्थात 19वें नंबर के आप लोगों के क्या होंगे, एशियन गेम्स होंगे। और साथ में मैं बता दूं तो जो आप लोगों के विंटर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक, जैसा कि मेरे सभी साथी जानते हैं कि ओलंपिक कितने तरह के, 2 फॉर्मेट में होते हैं, एक विंटर ओलंपिक होते हैं, एक समर ओलंपिक होते हैं, तो समर ओलंपिक अभी 1 साल के लिए स्थगित कर दिए जो टोक्यो में होने थे, विंटर ओलंपिक जो 2022 है मेरे दोस्तों वो चाइना की कैपिटल बीजिंग में होंगे और 2026 इटली के अंदर होंगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिएगा बात करेंगे मेरे दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे जो इंटरपोल है आप लोगों की, इंटरनेशनल पुलिस, उसकी मीटिंग भारत में कौन से ईयर में होगी, जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। और बात करेंगे मेरे दोस्तों इटली की, तो इटली की कैपिटल क्या है, रोम है, और रोम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है। क्लियर है दोस्तों। और बात करेंगे यूएससी की, तो यूएससी की जो कैपिटल है यहां पर अगर हम बात करेंगे वॉशिंगटन डीसी, आई थिंक अब आप लोगों को मेरे बच्चों को याद हो गया होगा कि जो वॉशिंगटन डीसी है वो आप लोगों का कौन सी नदी के किनारे है, तो दोस्तों आप लोगों का वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है, और जो न्यूयॉर्क है हमारा वो हमारा हडसन नदी के किनारे है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम का पार्ट बनती है। बहुत बढ़िया शानदार। एशियन गेम्स में दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या याद रखना है आप लोगों ने, कि जो एशियन गेम्स है आप लोगों का वो 19th नंबर का है, 18th नंबर का जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था आप लोगों का, और जो 9th आप लोगों का होगा मेरे बच्चों 19th, वो आप लोगों का कहां पर होगा, हैंगझाओ चाइना के अंदर होगा, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिएगा दोस्तों, तो यहां पर मेरे सभी साथी एक बार जो आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर ताजा ताजा। आगे चलते हैं फटाफट से डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं।
दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिन मेरे साथियों को अभी तक हेडक्वार्टर याद नहीं हुआ है, मैं बताऊं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसी बीमारियों से लड़ता है, हर जानलेवा बीमारी से लड़ता है, इसलिए जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का कहां पर है? जेनेवा, जानलेवा जेनेवा। और आप लोगों का 7 अप्रैल 1948 को यह फाउंड हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और बच्चों इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तेड्रोस एब्डमन है। तेड्रोस एब्डमन इसके क्या है मेरे दोस्तों? डायरेक्टर जनरल है। और सबसे जरूरी बात जो कि स्टूडेंट अक्सर छोड़ दिया करता है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। दोस्तों कई बार ना क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेते हैं कि बताओ जो हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल है वो हमारे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों वो इथोपिया से बिलोंग करते हैं, और इथोपिया की कैपिटल मेरे सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिसको नहीं पता वो नो लिखेगा। अच्छा एक जरूरी बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा नोबल पीस प्राइज के बारे में, सुना है दोस्तों? तो इस बार जो नोबल पीस प्राइज मिला था ना वो 2019 में, वो 100वें नंबर का था आप लोगों का, और वो किसको मिला था? इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद को, ये बात आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों। 100वें नंबर का जो नोबल पीस प्राइज आप लोगों का दिया गया, कब दिया गया? 2019 के अंदर। वो किसको मिला? इथोपिया के प्रधानमंत्री को मिला था, ये बात आपको कहीं ना कहीं याद रखना नहीं है, एग्जाम का पार्ट बनेगा, चलिएगा, बहुत बढ़िया। और 10 अप्रैल को आपका होम्योपैथी डे, यस वंदना मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आगे बात करूंगा। तो दोस्तों यहां पर इथोपिया की कैपिटल सभी लोग बता रहे हैं, एडिस अबाबा है, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग बता रहे हैं। बच्चों सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार जल्दी से मुझे लाइक दिखा दीजिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कल लाइक में भारी गिरावट देखने को मिली, तो ऐसी क्या नाराजगी हो गई दोस्तों, ऐसा क्या गुनाह हुआ जो आप लाइक कम कर गए? ओके चलेगा, अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है चलेगा। ये है इंपॉर्टेंट के पापा, कौन सा देश 2020 में, 2020 मतलब करंट ईयर की बात चल रही है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पूछा जाएगा विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020, तो ये अगर आप लोगों से पूछ लिया गया तो क्या आप लोग आंसर करोगे? तो इस बार जो आप लोगों का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा वो अपने भारत में, प्यारे भारत में, साढ़े इंडिया में होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके दोस्तों अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सर वो टूर्नामेंट एक बार हमें बता दीजिएगा जो भारत में होने वाले थे मेरे दोस्तों। एक तो अंडर 17 आप लोगों का महिला वर्ल्ड कप होने वाला था जो कि पोस्टपोन हो चुका है आप लोगों का, साथ में बात करूंगा तो 2022 से पहले आप लोगों का कोई इवेंट यहां पे होता नजर नहीं आ रहा, फिर कुछ इवेंट आप लोगों के जो होंगे 2023 के अंदर होंगे। अगर मैं 2023 की बात करूंगा तो हॉकी वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप दो मेजर इवेंट है, चलिएगा। लेकिन एक चीज आप लोग समझेंगे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 कर रहा है इंडिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछने लगे कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2019 हमारी हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो मेरे दोस्तों वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 आप लोगों की रशिया में हुई थी। अब इसमें दो कैटेगरी थी, एक तो सर मेल वाली थी और एक मेरे दोस्त आप लोगों की फीमेल वाली थी। मेल वाली कैटेगरी में क्या था कि भारत के जो अमित पंघल थे मेरे दोस्तों, वो पहली बार किसी भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता था, पहली बार कोई भारतीय बंदा जो है, जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसके फाइनल तक पहुंचा था, तो वहां पे अमित पंघल ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और फीमेल में मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों मंजू रानी, तो मंजू रानी ने सिल्वर मेडल जीता था और मंजू रानी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछने लगे कि फीमेल कैटेगरी में किसने जीता था या मंजू रानी कौन से गेम से रिलेट करती हैं, तो दोस्तों मंजू रानी जो रिलेट करती हैं आप लोगों की, वो रिलेट करती हैं कहां से मेरे दोस्तों? मंजू रानी रिलेट करती है आपकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप से, हरियाणा से, ये बात याद रखेंगे। और जैसे ही मुझे बॉक्सिंग का याद आता है तो मुझे याद आ जाती है एमसी मैरी कॉम, और एमसी मैरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है? सर 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, और वो हमारी BSNL की भी ब्रांड एंबेसडर है। साथ के साथ अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों उनकी जो एक बायोग्राफी है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है मुझे जल्दी से बता देंगे सर? अनब्रेकेबल उनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ये बात याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों इंडोनेशिया की,
इंडोनेशिया में 2018 के अंदर मेरे दोस्त आप लोगों का एशियन गेम्स खेले गए थे जकार्ता में, और ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और जापान की मैं बात करूंगा तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए स्थगित आप लोगों के हो चुके हैं। तो ये चीज आप लोगों को सारी बातें याद रखनी है, कोई डाउट यहां पर हो तो मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो यहां पर सारी चीजें अगर क्लियर है तो एक एक पॉइंट मेरा क्लियर है, और एक एक पॉइंट आप लोगों को इंपोर्टेंट मार्क करना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, और क्या होगा उसको जानते हैं। मेरे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान, कब की बात हो रही है, 1918 और 1920 के बीच में किस महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया था, कौन सी वो महामारी थी मेरे दोस्तों जिसने क्या कहते हैं दुनिया को प्रभावित किया था, और जिसमें लगभग लगभग 50 मिलियन लोगों की, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 मिलियन लोगों की क्या हो गई थी मेरे दोस्तों, डेथ हो गई थी, तो वो कौन सी हमारी महामारी थी। तो मेरे दोस्तों उस टाइम की जो महामारी थी वो थी आपकी स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू ने उस टाइम लगभग लगभग 50 मिलियन लोगों को क्या कहते हैं उस टाइम पे डेथ हो गई थी। तो ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। कोई डाउट है यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिएगा, और अगर मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट होगा, थोड़ा सा मार्क करेंगे आप लोग इस चीज को, जल्दी से मुझे बता देंगे बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। तो यहां पर कोई भी डाउट कैसा भी डाउट हो आप लोग मुझे बता देंगे। चलिएगा, देखिएगा यहां पर अगर हम बात करेंगे कि IMF के अनुसार 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक बड़ा हमारा क्या है, अगर मैं बात करूंगा तो एक टफ क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि अलग अलग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब अलग अलग फोरकास्ट करती है भारत की GDP। तो अभी IMF ने कितना किया है, 2.5 किया है, 3.5 किया है, 4.0 किया है, या 1.9 किया है। तो यहां पर बिल्कुल जगेश्वर लोधी का आंसर आ चुका है, यहां पर दोस्तों किया है IMF ने कितना, 1.9%, मतलब 1.9% किसने किया है, IMF ने किया है। कैसे याद रखेंगे मेरे दोस्तों, देखिएगा अगर जब जब बात आएगी IMF की, और कौन से ईयर के लिए आएगी, 2020 के लिए, 2020 के लिए आएगी, तो आई बना दो और फिर आई का क्या लिख दो बच्चों, आई का नंबर उसके आगे लिख दो, डेट इज 9, तो 1.9। कभी कंफ्यूजन मत होना देना आप लोग इस चीज के बारे में कि IMF ने कितनी फोरकास्ट की है, IMF ने 1.9 आप लोगों की जो है फोरकास्ट की है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, देखिएगा आई आपने सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले आपने बनाया IMF, तो आई का 1 लिख दिया और फिर आई का नंबर लिख दिया, डेट इज 1.9%। सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। देखिएगा आज ना लाइक एक बार जल्दी से फटाफट से हो जाने चाहिए काफी अच्छे सारे, अगर आपको चीजें वाकई ही पसंद आ रही हैं तो। दोस्तों चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना, सर ये जो बाकी चीजें आपने यहाँ पे दे रखी है किस किस की है। मेरे दोस्तों जो हमारा क्रिसिल है उसका 3.5 है, मूडी का 2.5 है, और ADB का 4.0 है, और इकरा का 4.5 है। चलिएगा इनको थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो पहले IMF को पढ़ते हैं फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों अब कभी कंफ्यूजन मत होना, क्रिसिल ने कितना किया है, सर क्रिसिल मतलब सी की वैल्यू 3, तो 3.5 है। मूडी जो है अपना मूड में नहीं था तो 2.5, और बच्चों ADB 4.0 और इकरा जो है 4.5 आप लोगों का है, याद रखेंगे। चलिएगा सबसे पहले बात करूंगा IMF की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आप लोगों की कितनी मेंबर कंट्री है इसके अंदर मेरे दोस्तों, 189, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, 189 इसकी मेंबर कंट्री है, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर से IMF लिख लेते हैं हम, तो IMF को अगर मैं लिख लूंगा मेरे दोस्तों यहां पर, तो एक चीज आप लोग समझ लेंगे कैसे। देखिएगा आई बना दो पहले, 1 है और आई की ही वैल्यू लिख दो आप लोग, ठीक है, तो 9 हो गया 189। आप कभी भी ये मत सोचना 187 191, तो 189 में आप लोगों का यहां पे आंसर आ जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है सर, वॉशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये जो वॉशिंगटन DC है मेरे दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है, पोटोमैक, आई थिंक रट गया होगा अब आप लोगों को। और बच्चों कब ये बना था आप लोगों का, 1945 में ये हमारा बना था, और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है सर, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी हेड है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो इसकी हेड है, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। चलिएगा बहुत बढ़िया, और कहां की है वो, बुल्गारिया की है, सोफिया
या उनकी कैपिटल है और करेंसी है लीव। चलिएगा बच्चों मूडी के अकॉर्डिंग, मेरे दोस्तों जो मूडी है उसने कितनी जीडीपी ग्रोथ अपनी बताई है, 2.5 बताई है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन मूडी सर कहां का है, इस मूडी का हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मूडी क्या है, तो मेरे दोस्तों मूडी अमेरिकन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो आपकी एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है मूडी। तो मूडी कौन से देश की है गाइस, मूडी जो है वो अमेरिका की है। मूडी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क मेरे दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर है, हडसन नदी के किनारे पर है। आपका न्यूयॉर्क के अंदर ही यूएनओ का हेडक्वार्टर है और न्यूयॉर्क के अंदर ही हमारा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। ये बातें आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। कोई डाउट है यहां पर तो मुझे बता देंगे, यूएनओ हो गया और यूनिसेफ हो गया, कोई भी डाउट कैसा भी डाउट हो तो यहां पर क्लियर कर देंगे सारी बातें। कई बार पूछा गया है कि मूडी जो एक कॉर्पोरेशन है कहां की कंपनी है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। ओके दोस्तों चलिएगा बच्चों क्रिसिल की अगर मैं बात करूंगा तो क्रिसिल ने कितना किया था, 3.5 याद हो गया होगा। जीडीपी आप लोगों की कितनी की थी, 3.5। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जो क्रिसिल है हमारा उसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर, मुंबई के अंदर है। और आप लोगों की फुल फॉर्म अगर पूछ ली गई तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और IUCS मेरे दोस्तों और धर्म कीर्ति जोशी, अगर आपसे पूछा जाएगा चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है तो धर्म कीर्ति जोशी है और आयु जो है आपको आसू सुयस क्या है, इसके सीईओ है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके जी दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिएगा बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। कौन सा हमारा, किस राज्य ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, किसकी बात हो रही है, ICMR की बात हो रही है। और ICMR के कौन है हेड, एक बार मुझे बताएंगे, रोज मैं आपको बताता हूं ICMR के बारे में, ठीक है। से COVID-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। देखिएगा कौन सा वो पहला हमारा राज्य बना है जिसने क्या कर लिया मेरे दोस्तों, पूल परीक्षण करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो ये बात मुझे देखो, जैसे कि आप लोगों के वर्ड आया पूल, बच्चे समझ नहीं पाएंगे कैसे क्या मतलब होता है इस पूल का। तो देखिएगा कई बार जब आप ओला उबर बुक कर रहे होते हैं तो उसमें क्या आता है, पूल, पूल मतलब इकट्ठे। तो इकट्ठे कई सारे सैंपल की एक साथ अगर मैं बात करूंगा, जांच करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है, तो आप लोगों का इसमें जो आंसर आ जाएगा कौन सा भैया, उत्तर प्रदेश। तो यूपी यहां पर आंसर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले आप लोगों का जो शुरू करने वाला राज्य है वो हमारा केरला है मेरे दोस्तों। प्लाज्मा थेरेपी को शुरू किसने किया, केरला ने किया। पूल परीक्षण, पूल टेस्टिंग को किसने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने। महाराष्ट्र के अंदर आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस जो है कोरोना वायरस के वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो बच्चों क्लियर है, केरल जो है प्लाज्मा थेरेपी, उत्तर प्रदेश में आप लोगों का पूल टेस्टिंग है, आंसर आ गया उत्तर प्रदेश। चलिएगा सर जी केरल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। जब जब हम केरल की बात करेंगे तो देखो केरल में जो COVID-19 से रिलेटेड चीजें हैं अब काफी हद तक वहां पे कंट्रोल है, इवन पूरा ही कंट्रोल है। बस जो हमारे कुछ बीमार बंदे थे उनको क्या किया जा रहा है, अब ठीक किया जा रहा है। नए केसेस बहुत कम अब केरला में जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे मेरे दोस्तों महाराष्ट्र की, तो देखिएगा जो महाराष्ट्र है हमारी, महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया था, सिप भोजन स्कीम। क्या लॉन्च किया था मेरे दोस्तों, सिप भोजन स्कीम, जिसमें ₹10 में आप लोगों का क्या कराया जाएगा, लंच कराया जाएगा। उद्धव ठाकरे मेरे दोस्तों यहाँ के सीएम है और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। क्लियर हो गया सर जी। महाराष्ट्र में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और आर्टिकल 356A इम्पोज किया जाता है जब आप लोगों का राष्ट्रपति शासन लगता है। बहुत बढ़िया सर। कैपिटल जो है मेरे दोस्तों वो आप लोगों की क्या है, मुंबई है। और मुंबई की मैं बात करूंगा तो यहाँ आप लोगों का देखिएगा
यहाँ पर जो IIFTC का अभी एक पुरस्कार दिया गया था, आठवां IIFTC जो पुरस्कार मिला था मेरे दोस्तों मुंबई में, वो किसको मिला था? जोया अख्तर को मिला था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सर जी तमिलनाडु में क्या किया है, जो गरीब हमारे क्या कहते हैं भाई लोग हैं, जो गरीब हमारे क्या कहते हैं इंसान है हमारे, उनके लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई है। तो मोदी किचन की शुरुआत कहां पर की गई है? तमिलनाडु के अंदर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और तमिलनाडु का जो मेरे दोस्तों चेन्नई है, वहां पे मेरीना बीच जो है वो सबसे बड़ा बीच है आप लोगों का, ये बात आप लोगों को पता होगी। और तीसरी बात कल्पक्कम, अगर आपसे पूछ लिया जाए कल्पक्कम और काकड़ापाड़, आप लोगों का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, काकड़ापाड़ नहीं कल्पक्कम और कुदानकुलन, काकड़ापाड़ तो गुजरात के अंदर है, जो आपका कल्पक्कम है और कुदानकुलन है ये आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर है, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जुड़ी चार खबरें जल्दी से मुझे बता देंगे, जैसे नोएडा की नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी हो गई, कुशीनगर की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरह की चीजें जल्दी से बता देंगे। बहुत बढ़िया। तो मोदी किचन जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, चलेंगे। जैसे फूड बैंक है ना आप लोगों का, फूड बैंक कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। मोदी किचन कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू अलाउ एक्सटेंशन ऑफ H1 वीजाज ब्रिंगिंग मेजर रिलीफ टू इंडियन स्टूडेंट इन द नेशन ड्यू टू कोरोना वायरस पैनेडेमिक। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, वो कौन सा देश है जिसमें जो क्या कहते हैं विदेशी लोग फंसे हुए हैं या ज्यादातर भारतीय लोग हैं, उनको राहत देने के लिए H1 वीजा के विस्तार की अनुमति दे दी गई है। मतलब जो वीजा है मेरे दोस्तों H1 वीजा, जो कि कुछ लोग वहां पे गए हुए थे अब वो वहां पर ही फंस गए हैं, तो उसको क्या कर दिया, उसको विस्तार की अनुमति देने का फैसला किया है। वो है कौन? अपना USA। तो USA बच्चों यहां पर हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। अब दो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो ध्यान से समझेंगे जल्दी से बच्चों, इसको लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से ताकि ये 1000 आपका पार हो जाए। अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले मैं यूएससी की बात करूं तो बच्चों दो ईयर आप लोग ना हमेशा याद रखेंगे, एक मेरे दोस्त कौन सा ईयर याद रखेंगे 2026 याद रखेंगे, और एक मेरे दोस्त यहां पर ईयर याद रखेंगे 2028। सर ऐसा क्या हुआ यहां पर? तो बच्चों अगर मैं बात करूंगा 2026 की, तो हमारा एक फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों का कनाडा के अंदर होगा, ये आप लोगों का मेक्सिको के अंदर होगा, और इसमें आप लोगों का यूएसए भी होगा। तो 2026 का वर्ल्ड कप हो गया, चलो सर जी सही हो गया। 2028 का जो ओलंपिक होगा, जिसको हम विंटर ओलंपिक कह रहे हैं मेरे दोस्तों, ये लॉस एंजल्स में होगा, याद रखेंगे। और सर जी ये यूएसए जो है इसकी कैपिटल वॉशिंगटन है। यहां पर बच्चों अगर मैं यूएसए के बारे में बात करने लगूं तो जैसे हमारा यूनिसेफ हो गया, इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर वहीं पर है, गूगल का हेडक्वार्टर वहीं पर है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वहीं पर है, तो ये सारे के सारे हेडक्वार्टर आप लोगों के वहीं पर हैं। जैसे यूनिसेफ न्यूयॉर्क है, यूएनओ न्यूयॉर्क है, गूगल कैलिफोर्निया है, और माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों का वॉशिंगटन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। चलिएगा यहां पर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो कहां से लिए गए हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मेरे दोस्तों कैनबरा है आप लोगों का, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है मेरे दोस्तों वो डार्लिंग नदी के किनारे पर है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर कौन सी नदी के किनारे पर है? डार्लिंग नदी के किनारे पर है, ओके दोस्तों। और यहां पर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा आप लोगों से, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब जब हम बात करेंगे, हमारा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है मेरे दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है। बच्चों कनाडा की बात करेंगे तो थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रिक प्लेन को उड़ाने वाला पहला राज्य कौन सा था? इलेक्ट्रिक प्लेन को चलाने वाला सबसे पहला जो राज्य नहीं सॉरी देश हमारा कौन सा था? कनाडा, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है दोस्तों। और इटली की कैपिटल रोम है, हम पढ़ ही चुके हैं, चलेंगे आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया।
ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा, बहुत बढ़िया, ठीक है, डार्लिंग नदी, क्या बात है, देखो नदी भी कितनी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों एक बार जिन मेरे साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगर उनको चीजें पसंद आ रही है तो लाइक आप लोग तहे दिल से कर सकते हैं क्योंकि लाइक अभी बहुत कम है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नियर बाय स्पोर्ट, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नियर बाय स्पोर्ट एक फीचर दिया है जिससे बच्चे लोकल स्टोर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने एक किसी ऐप के थ्रू क्या किया है, नियर बाय स्पोर्ट का एक फीचर दे दिया है जिससे हम लोकल स्टोर, लोकल स्टोर का मतलब क्या है यहां पर कि जितने भी हमारे एसेंशियल आइटम्स है, खाने पीने की चीजें हैं, वो हमारे पास में हमारा स्टोर कहां पर है, हमें उस चीज की पहचान करा सके। तो दोस्तों नियर बाय स्पोर्ट का फीचर दिया है गूगल ने और गूगल का जो गूगल आप लोगों का पे है उसमें ये फीचर आप लोगों का ऐड हुआ है। तो गूगल, गूगल का हेडक्वार्टर आप लोगों का कैलिफोर्निया है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम है दोस्तों सुंदर पिचाई। अच्छा एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, गूगल ने जो हमारा एक स्टेट है तेलंगाना, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, तेलंगाना, तेलंगाना ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया था जिसमें वो गूगल की हेल्प ले रहा था डिजिटल तेलंगाना बनाने के लिए। तेलंगाना ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया था जिसमें वो गूगल की मदद ले रहा था डिजिटल तेलंगाना इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए। दोस्तों पेटीएम, पेटीएम जो है वो नोएडा की कंपनी है और इसके मेरे दोस्तों कौन है, विजय शेखर शर्मा, इसके फाउंडर मेंबर में आते हैं, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर के तौर पे आते हैं और ये नोएडा में। सर जी पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है तो वैसे ही पेटीएम की कंपनी है 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, मूल कंपनी है। बच्चों फेसबुक, मेरे दोस्तों फेसबुक की अगर मैं बात करूंगा तो फेसबुक जो है हमारा मार्क जुकरबर्ग है और अगर मैं बात करूंगा फोन पे तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आमिर खान है। मतलब जिनसे जुड़ी जो जरूरी बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है जिस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनती है। चलिएगा बहुत शानदार बच्चों, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि और शानदार आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि गवर्नमेंट लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक। तो बच्चों आती नहीं, कॉमिक्स पढ़ते थे पहले, चाचा चौधरी की पढ़ते थे और भी मतलब बहुत सारी कॉमिक्स आप लोगों की आने लग गई है, उन सभी कॉमिक्स को हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो अभी उसका डिजिटल फॉर्मेट लॉन्च किया है कौन से राज्य ने, तो मुझे जल्दी से एक बार बता देंगे कि कॉमिक्स का डिजिटल जो फॉर्मेट है, डिजिटल टेक्स्ट बुक किसने लॉन्च किया है यहां पर, मणिपुर ने। सर दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा एक तो डिजिटल कॉमिक लॉन्च कर दी मणिपुर ने और लॉन्च क्या कर दिया दोस्तों यहां पर, एक हमारा जो लॉन्च कर दिया यहां पर फूड बैंक जिसके अंदर क्या खिलाया जाएगा, सबको खाना खिलाया जाएगा। तो फूड बैंक भी मणिपुर का है, देखो कैसे याद रखेंगे, फूड के लिए नहीं देनी मनी तो इसलिए जाओ मणिपुर, ओके मेरे दोस्तों। तो मनी मनी मनी, मनी का मतलब बैंक, तो बैंक मतलब मणिपुर, मणिपुर मतलब फूड बैंक, ये बात आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, ओके। अच्छा ये बात आप लोगों को अगर मैं बात करूंगा, नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक जो है वो आप लोगों का किसने किया है मेरे दोस्तों, नमस्ते ओवर हैंडशेक जो है वो किसने किया है दोस्तों, नमस्ते ओवर हैंडशेक जो है वो कर्नाटक का है, ये बात आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या रखनी है, याद रखनी है, ओके दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मणिपुर का जो नेशनल पार्क है हमारा, डेट इज कैबुल लामजो नेशनल पार्क, लोकतक झील है और संघई हिरन आप लोगों का मणिपुर के अंदर है। आप लोगों से पूछा जाएगा लिली फेस्टिवल मेरे दोस्तों, तो लिली फेस्टिवल मणिपुर का है आप लोगों का, ये बात याद रखेंगे। सर अगर मैं पूछूंगा आप लोगों से मणिपुर में ऑरेंज फेस्टिवल, आप लोगों का जो ऑरेंज फेस्टिवल है मेरे दोस्तों वो आप लोगों का क्या है, आपका मणिपुर है। अच्छा एक जरूरी बात सुनिएगा, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से किसको जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, तो मेरे दोस्तों एक लेडी है जिनका नाम है इरोम शर्मिला, तो इरोम शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर के सीएम का नाम जल्दी से मुझे बता देंगे, एनवीरेन सिंह है और वहां के गवर्नर जो है नजमा हैपितुल्ला है। बच्चों महाराष्ट्र हम डिक्लेयर कर चुके हैं ऑलरेडी और केरला भी हम यहां पर पढ़ चुके हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ताडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क दोनों आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर। चलिएगा
अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए बनने जा रहा है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे। कोविड 19 रोगियों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा का मतलब होता है इम्यूनिटी, तो बच्चों इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा आप लोगों का बन गया है? मेरे दोस्तों जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है और साथ में जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, उन दोनों को इकट्ठे, उन दोनों का कॉम्बो कौन लेकर के आया है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए? क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। कैसे याद रखेंगे सर? हमारा जो एलोपैथी है बच्चों, लैंग्वेज पे मत जाइएगा, आप आसान भाषा में समझिएगा, एलोपैथी को और आयुर्वेदा को इकट्ठे लेकर के आया है कौन, उससे पर्पज क्या है? इंक्रीज इम्यूनिटी, मेरे बच्चों कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए। तो ये लेकर के आया हमारा कौन? गोवा, गोवा, गोवा। और गोवा की जो कैपिटल है वो क्या है आप लोगों की? पणजी है, याद रखेंगे। गोवा के सीएम का नाम जो है वो प्रमोद सावंत है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। गोवा के जो मेरे दोस्तों गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक साहब। क्या नाम है दोस्तों? सत्यपाल मलिक। अच्छा आप लोग जानते होंगे स्मृति ईरानी को, किसको जानते हैं? स्मृति ईरानी को। तो मेरे दोस्तों जो स्मृति ईरानी है हमारी महिला बाल विकास मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, साथ में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्री, और साथ में क्योंकि सास भी कभी बहू थी मेरे दोस्तों, स्टार प्लस 10:30 बजे, ठीक है। तो आप लोगों का जो है यहां पर स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद है, इन्होंने एक यहां पर कैंपेन शुरू किया था यशस्विनी, तो यशस्विनी कैंपेन बेसिकली किसके? महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, महिला एंटरप्रेनर को बढ़ावा देने के लिए यशस्विनी जो है मेरे बच्चों प्रोग्राम वो स्मृति ईरानी ने शुरू किया था गोवा में, ये बात आप लोगों को याद रखेंगे। चलिएगा बच्चों, सिक्किम की कैपिटल क्या है आप लोगों की? गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है मेरे दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग आप लोगों के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री मुझे बताएंगे जल्दी से, मणिपुर के मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ओके दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ जाते फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो यहाँ पे मुझे बता देंगे, बहुत बढ़िया, अमेठी से सांसद है। अच्छा इस बार टोटल अगर मैं बात करूंगा लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं जल्दी से बता देंगे। कला के विकास, बच्चों ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व कला दिवस, बच्चों बात हो रही है वर्ल्ड आर्ट डे की, वर्ल्ड आर्ट डे हर साल कब आप लोगों का मनाया जाता है ये बात आप लोगों को मुझे बता देनी है। तो बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे हमारा मनाया जाता है 15 अप्रैल को, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रखेंगे। प्रेम सिंह तमांग या सिक्किम के जो है सीएम है, बहुत बढ़िया। सलीम अली नेशनल पार्क, रामकृष्णा जी बिल्कुल, जे एंड के। अगर बात करेंगे हेमिस नेशनल पार्क की तो वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आप लोगों का। ओके दोस्तों चलिएगा आगे बात करूंगा, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। सर 14 अप्रैल को क्या मनाया था? तो मेरे सभी साथी बता देंगे कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था 14 अप्रैल से रिलेटेड। और 17 अप्रैल की अगर मैं बात करने लगूंगा तो 17 अप्रैल को मेरे दोस्तों होमोफीलिया डे आप लोगों का मनाया जाता है, जो कौन से विटामिन की कमी से होती है बीमारी? विटामिन के की कमी से होती है। ओके, और मेरे दोस्तों यहां पर आप लोगों के सामने एक विटामिन होगा, विटामिन लाइक, तो विटामिन लाइक को प्रेस कर दीजिएगा। आप अपनी वीडियो को देखिएगा और उसको ना चैट को एक मिनट के लिए ऑफ करके यहां पे लाइक का बटन है तो उस लाइक के बटन को क्या कर देंगे? प्रेस कर देंगे। और जो मेरे नए साथी आज पहली बार जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। ओके दोस्तों चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल जो होगा आप लोगों के लिए वो वर्ल्ड क्या कहते हैं हेरिटेज डे के रूप में हमारा मनाया जाता है। चलिएगा शानदार तरीके से। हाँ, तो कल सो गए थे। ओके काजल तिवारी जी, कल सो गए थे आप? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोना भी जरूरी था। ओके चलिएगा
आगे बात करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं डेली जीके पावर कैप्सूल जो कि हमारा टीचर सड्डा चैनल पर 8 बजे आप लोगों का होता है वहां पे मैं आज लोगों आप लोगों को कराने वाला हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास। ओके दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आज की जो पहली न्यूज है उसकी तरफ हम रुख करेंगे और पहली न्यूज हमारी क्या होगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को मेरे दोस्तों जो आप लोगों की यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सेशन होना था वो स्थगित आप लोगों का हो चुका है। और ये कहां पर होना था सर ये फुजाओ चाइना के अंदर होना था। दो बातें याद रखेंगे कौन से नंबर का सेशन था 44वें नंबर का सेशन था किसका सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का सेशन था कहां होना था फुजाओ में होना है लेकिन अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्लियर हो गया अब यहां से उठाएंगे कीवर्ड सर फुजाओ कहां पर है मेरे दोस्तों चाइना के अंदर है सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है मेरे दोस्तों पेरिस के अंदर जो कि हमारा सेन नदी के किनारे पर है पेरिस के अंदर है। और पेरिस की मैं बात करूंगा तो सबसे सुंदर शहर विश्व का सबसे सुंदर शहर माना जाता है पेरिस और भारत का पेरिस बोलते हैं जयपुर को। ये बात आप लोग जयपुर वही जहां से सपना चौधरी ने चुनरी मंगवाई थी। ओके दोस्तों बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की तो कौन सा संस्करण था 44वां संस्करण था। साथ में बात करेंगे मेरे दोस्तों कि जो भारत में कितनी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है तो 38 साइट है भारत में यूनेस्को की जिसमें 38वें नंबर की जयपुर है हमारी। ओके दोस्तों ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो 44वां सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का जो कि फुजाओ चाइना में होना था पोस्टपोन कर दिया गया है। सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल ठीक है ओके कोई डाउट है तो मुझे यहां पर आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा बच्चों यहां पर देखिएगा एक आप लोगों के सामने क्या है कि ये एडीबी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एडीबी बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारा। तो यहां पर देखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है क्या राहत पैकेज को। पहले उन्होंने $6.5 बिलियन का जो है एक तरीके से अनुदान दिया था अब उसको बढ़ा करके 20 मिलियन कर दिया है। देखो ये जो एडीबी के हेड है ये कह रहे भाई और क्या लोगे 20 ले तो लिए अब देखो बता रहे ना ये कि पहले 6.5 था अब पूरे 20 ले लिया आपने और क्या लोगे और क्या दूं मैं आप लोगों को। तो बच्चों ध्यान रखेंगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने COVID-19 जो रेस्पॉन्स पैकेज है उसको पहले से बढ़ा दिया है। पहले कितना था 6.5 बिलियन और अभी कितना है आपका मेरे दोस्तों 20 बिलियन है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे आप लोग ठीक है। चलिएगा उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे सर जो एशियाई विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो मेरे दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। सर फिलीपींस की खास बात यस मेरे दोस्तों जो आप लोगों का मेरे दोस्तों क्या है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो फिलीपींस के अंदर है और जो हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कटक उड़ीसा के अंदर है। सर एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था मेरे दोस्तों 19 दिसंबर को आप लोगों का ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था कब 1966 में। मेंबर कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है 68 मेंबर कंट्री है और मसाकजू अस्कावा क्या है मेरे दोस्तों जो कि जापान के हैं वो प्रेसिडेंट है इसके याद रखेंगे। कंट्री हमेशा याद रखनी है जापान 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 और लास्ट मेंबर मेरे दोस्तों कौन सा है न्यू जो है वो इसका लास्ट मेंबर है। कोई डाउट अगर यहां पर हो तो मुझे आप लोग बताएंगे और न्यू की कैपिटल है अलोफी। आगे चलते हैं फटाफट से देखो अपना देश एक वेबिनार सीरीज आप लोगों की आई है तो यहां पर थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। अच्छा देखने से पहले एक बार फटाफट से ना लाइक कर दो जल्दी से एक मिनट के अंदर फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। लाइक भैया देखो बढ़ जाने चाहिए क्योंकि लाइक आप करोगे नहीं लाइक करोगे तो भैया थोड़ा सा मुझे अच्छा लग जाएगा और मुझे अच्छा लग जाएगा तो ऐसा क्यों चाहोगे आप लोग ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा आप नहीं चाहते होंगे कि अच्छा लगे लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूं कि चाहते भी होंगे कि अच्छा लगे। तो एक बार जल्दी से भैया लाइक कर दें यार सभी दोस्त एक बार उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम देखो अपने देश में। ओके बहुत बढ़िया ठीक है तो मेंबर कंट्री कोई बात नहीं किन्नू जी 68 है ओके दोस्तों संजू जी न्यू अलोफी है मनीला फिलीपींस है ओके चलिएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो देखो अपना देश ये एक वेब सीरीज है आप लोगों की जिसको किसने किया है मेरे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। तो टूरिज्म आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा
देखो अपना देश एक जो वेब सीरीज है वो किसने लॉन्च की है, टूरिज्म मिनिस्टर ने, और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है आप लोगों के वो मेरे दोस्तों क्या है, आप लोगों के टूरिज्म मिनिस्टर है। सर टूरिज्म से मुझे याद आया क्या, सर जी टूरिज्म से दो चीजें याद आती है, एक तो वर्ल्ड टूरिज्म डे आप लोगों का याद आ गया, वर्ल्ड टूरिज्म डे बताया था मैंने ट्रिक से आप लोगों को, 27 सितंबर है, और एक आप लोगों का क्या है दोस्तों, नेशनल टूरिज्म डे है। तो जो नेशनल टूरिज्म डे है वो कब आता है आप लोगों का, 25 जनवरी को आता है, ये बात आप लोगों को कहीं ना कहीं बताएंगे। बिल्कुल मोहन गंगवार जी, पीडीएफ आपको जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है उसके टॉप में मिल जाएगी 10 बजे तक, कई बार थोड़ा लेट हो जाती है तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता करनी है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर है, नेशनल टूरिज्म डे आपका 25 जनवरी है, यहां तक आप लोगों की चीजें क्लियर हो गई है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर ये है बच्चों, बात किसकी हो रही है, रोबोट की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है। यहां पर देखिएगा रोबोट बना दिए गए हैं अब किसके लिए, COVID-19 के लिए, क्योंकि इंसानों में तो वायरस फैल जा रहा है, तो यहां पर रोबोट टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया गया। सर कहां पर रोबोट टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया गया बच्चों, यार इसको जल्दी से शेयर करके फटाफट से 1000 के पार पहुंचाएंगे, मात्र 100 लोगों की कमी है, और अगर आप लोगों ने एक एक जगह भी शेयर कर दिया तो 100 लोग बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, चलिएगा। पहले जब स्टूडियो से पढ़ाता था तब तो आप शेयर करते थे, अब आपने पता नहीं शेयर करना क्यों छोड़ दिया। देखिएगा बात करेंगे यहां पर झारखंड में, तो झारखंड जो हॉस्पिटल है आप लोगों का, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, कोबट रोबोटिक्स जो रोबोट है उसको मेरे बच्चों क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है, किसके लिए, खाना सर्व करने के लिए, मेडिसिन सर्व करने के लिए, किसको, जो COVID-19 पेशेंट है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कोबट को, कोबट रोबोटिक्स, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो कोबट रोबोटिक्स को लॉन्च कर दिया हॉस्पिटल में, ताकि जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनको दवाइयां दी जा सके, उनको खाना दिया जा सके। तो दोस्तों वो किया है झारखंड ने। सर जी झारखंड की जब हम बात करेंगे तो झारखंड में आप लोगों का एक तो रांची की कैपिटल है, और सर जी यहां पर जो एयरपोर्ट है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, बहुत बढ़िया। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो बेतला नेशनल पार्क है आप लोगों का, जो बेतला नेशनल पार्क है कहां पर है, झारखंड में है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसके सीएम कौन है, तो सर जी 11वें नंबर के सीएम है हेमंत सोरेन, इसके सीएम है द्रौपदी मुर्मू, यहाँ की गवर्नर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर, वहां पे भी आप लोगों के जो रोबोट की मदद ली जा रही है, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ओके दोस्तों इस चीज को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, एक बार जल्दी से फटाफट से हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर दे फ्रांस, ओके इंपोर्टेंट है मार्क कर लेंगे, जो एक फेमस साइकिल टूर्नामेंट है आप लोगों का टूर दे फ्रांस, वो पोस्टपोन हो गया है कोरोना वायरस के चलते। ओके दोस्तों तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा साइकिल टूर्नामेंट है जो कि वर्ल्ड का फेमस साइकिल टूर्नामेंट है, जिसको क्या कर दिया गया है मेरे दोस्तों, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है, डेट इज टूर दे फ्रांस आप लोगों का। तो टूर दे फ्रांस को क्या कर दिया, एक साइकिलिंग आपका इवेंट है जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। फ्रांस की मैं बात करने लगूंगा तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे भैया, 2015 के अंदर फ्रांस ने भारत के साथ में मिलकर के, या मैं बात करूंगा भारत ने फ्रांस के साथ में मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या किया था, स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कहां पर हुई, तो मेरे दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी पेरिस के अंदर। लेकिन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आप लोगों का, अंतरराष्ट्रीय जो सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। ओके दोस्तों उस टाइम पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकोइस ओलंदे साहब, उन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, कहां पर, पेरिस के अंदर। और इसका मेरे दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर आप लोगों का, गुड़गांव जिसको हम बोलते थे। सारी चीजें क्लियर है, चलिएगा बहुत बढ़िया।
ओके पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर है, जल्दी से मुझे आप लोग क्या करेंगे बता देंगे। फ्रांस के अंदर यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर भी है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो देखिएगा बच्चों अगर मैं बात करूंगा गोल्फर की, यहाँ पे बात हो रही है तो गोल्फर डग सैंडर्स, इनका निधन हो गया है, इनको याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है डग सैंडर्स इनका निधन हो गया, वह कौन थे, गोल्फर थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और जो इस बार मैं आपको एक वीकली कैप्सूल आप लोगों का लेकर के आऊंगा, उसमें जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को करा रहा हूं तो वो सब मैं इकट्ठे आपको दूंगा, जैसे पूरे वीक की ऑब्लिचरी एक साथ दे दूंगा, पूरे वीक के अपॉइंटमेंट एक साथ दे दूंगा, पूरे वीक की स्कीम एक साथ दे दूंगा, पूरे वीक की COVID-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक साथ दे दूंगा। तो ये इनिशिएटिव कैसा रहेगा, इसी वीक से मैं आप लोगों का इस पे काम कर रहा हूं, ये भी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा। मतलब एक वीकली कैप्सूल मैं अब आप लोगों को दिया करूंगा, उसको थोड़ा सा क्या रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोगों के प्रोत्साहन की जरूरत है, चीजें अच्छी आए, अच्छी लगे तो बच्चों इसको क्या करिएगा, प्रमोट करिएगा, और चीजें अच्छी ना लगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना। ओके जी, चलिएगा बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी जो प्लेयर है हमारे, स्विट्जरलैंड के जो आइस हॉकी प्लेयर हैं उनका नाम क्या है मेरे दोस्तों, रोजर चैपोट, इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब दो तीन चीजें समझेंगे यहां पर, इस बार की जो आपकी आइस हॉकी चैंपियनशिप थी वो किसने जीती थी मेरे दोस्तों, लद्दाख ने जीती थी। आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी, लद्दाख ने। और जैसे ही मैं लद्दाख का नाम लेता हूं मुझे लेह याद आ जाता है। इस बार का जो आपका जून में, कब, 21 जून 2020 को इंटरनेशनल योगा डे होगा, वो उसका डेस्टिनेशन क्या चुना गया है बच्चों, लद्दाख चुना गया, लेह चुना गया है। ठीक है, तो बेसिकली लेह चुना गया है किसका, इस बार के इंटरनेशनल योगा डे के लिए जो चुना गया वो लेह है। तो इस बार की ओइसा की आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी, लद्दाख ने। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो मेरे दोस्तों बर्न है आप लोगों की, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके जी, चलिएगा फटाफट से। देखो दोस्तों यहां पर कुछ बच्चे करने लगते हैं कि गुरुजी फास्ट फास्ट फास्ट, आई थिंक मैं इससे फास्ट आप लोगों के लिए करूंगा तो दिक्कत होगी आप लोगों को। प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप मेरी पीडीएफ देखते हो ना तो मेरी पीडीएफ देखा करो, उसके अंदर ना 80 स्लाइड होती हैं। अगर 80 स्लाइड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से 10 स्लाइड माइनस भी कर दूं इधर उधर की तो 70 स्लाइड आप लोगों की बनती है। अब 70 स्लाइड को पढ़ाने का मतलब क्या है कि कुछ टाइम तो चाहिए होगा, और कुछ टाइम चाहिए होगा तो बच्चों और देखो सिंपल सी बात है, क्वालिटी दी जाएगी, कंटेंट पूरा दिया जाएगा, तो आप लोगों को क्या है कि 70 स्लाइड पढ़नी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको सारा स्टैटिक जीके भी बता के चलता हूं, सारा करंट अफेयर भी बता के चलता हूं, सारा आपको स्टेट भी बता के चलता हूं। तो आई थिंक ये टाइम जो है 70-75 मिनट इतना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। बेकार में टाइम को कम करने के चक्कर में क्वालिटी को नहीं खराब कर सकता। कम चीजें होंगी कम टाइम ऑटोमेटिकली लगेगा, ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है, तो उस चीज को भी ध्यान में हमने रखना है। ओके बिल्कुल, आगे बात करूंगा, आई थिंक इससे फास्ट मैं आप लोगों का लेके जाऊंगा तो दिक्कत आपको होगी, वरना मैं तो पढ़ पढ़ के निकलता रहूंगा, मुझे क्या बोल बोल के निकलता रहूंगा। लेकिन आपको नोट भी करना है, पढ़ना भी है, समझना भी है, और टाइम कहां की रेल छुट्टी जा रही है आप लोगों की। ठीक है, चलिएगा बच्चों बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान से सुनेंगे सारी चीजों को। आई थिंक मैं कह रहा हूं कि आप कहीं भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, लेकिन आप एक बार कंपेयर करो चीजों को कि कितना कंटेंट आपको एक ही दिन में प्रोवाइड कराया जा रहा है एक घंटे के अंदर अंदर, उस चीज को भी आप लोग थोड़ा ध्यान में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों का हेडक्वार्टर है बच्चों जिनेवा के अंदर, मेंबर है 187, सर जी 1919 के अंदर ये बना था बच्चों, लेबर जो है 1919 में बना था, ये बात आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो गाय राइडर इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है। पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेरे दोस्तों आप लोगों का नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था, तो नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया था वो 1969 के अंदर दिया गया था, ये बात याद रखना। और जो लेबर डे है आप लोगों का वो 1 मई को मनाया जाता है, और थीम आप लोगों के सामने लिखी हुई है 2019 वाली। अब आई थिंक जब भी आपसे आईएलओ के बारे में पूछेंगे तो इसके बाहर आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनकी कंट्री मस्ट आपको याद करनी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिएगा आगे मैं बात करूंगा, तो ये हिंदी में है सारा का सारा। उसके बाद आपका जो आज का टेस्ट है बच्चों, लाइव टेस्ट आप लोगों का शुरू हो रहा है, तो एक बार जल्दी से लाइव टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे और फटाफट से एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करते चले जाएंगे, फटाफट बढ़ेंगे हम किसके लिए बच्चों। अगर आपसे पूछा जाएगा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको जो हमारा जीएमआर एयरपोर्ट है जिसको डेवलप करेगा और क्या करेगा मेरे बच्चों ऑपरेट करेगा, वो कौन से राज्य में आप लोगों का स्थित है, तो आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया एग बाउल ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो एग बाउल ऑफ एशिया जो कहा जाता है मेरे दोस्त वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके दोस्तों, और फिर से बता देता हूं, सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है और सेकंड नंबर पर जो कमारी कोस्ट लाइन है मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य है, भाषा के आधार पर डिवाइड होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। आपका 1953 में भाषा के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था। बच्चों तेलंगाना की मैं बात करूंगा तो तेलंगाना आप लोगों का 2 जून 2014 को डिवाइड हो गया था। केसीआर मेरे दोस्तों क्या है, तेलंगाना के आप लोगों के मुख्यमंत्री हैं, तिमल से सुंदर राजन वहां की गवर्नर है। ओके दोस्तों, और तेलंगाना की जो कैपिटल है आप लोगों की हैदराबाद है और हैदराबाद से मुझे याद आएगा अम्मा जान। तो मेरे दोस्तों जो अम्मा जान है हैदराबाद में, अम्मा जान का मतलब अमेजन से है, उसका सबसे बड़ा कैंपस आप लोगों का हैदराबाद में बनने जा रहा है। बच्चों कर्नाटक की बात करूंगा तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु कौन सी नदी के किनारे पर है, तो दोस्तों वृषभवती नदी के किनारे पर बेंगलुरु है। इस बार की इंडियन साइंस कांग्रेस आप लोगों की कहां पर हुई थी, बेंगलुरु के अंदर हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर होने के कारण इसको स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कर्नाटक की जब जब मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों तो याद रखेंगे अंसी नेशनल पार्क है आप लोगों का, बांदीपुर नेशनल पार्क है आप लोगों का और साथ में कुंदेर मुख नेशनल पार्क, और अगर मैं बात करूंगा नागर होल नेशनल पार्क है। और अगर आप लोगों से पूछा जाएगा इसके किसी के भी बारे में तो आप नॉर्मली मुझे बता सकते हैं कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक। और कर्नाटक में आप लोगों का क्या है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। उड़ीसा की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के वर्चुअल पुलिस स्टेशन कहां पर ओपन किया सर जी, वर्चुअल पुलिस स्टेशन उड़ीसा के अंदर आप लोगों का ओपन हुआ है। दामिनी ऐप उत्तर प्रदेश की है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन उड़ीसा है और दिशा एक्ट आंध्र प्रदेश का है। तीनों में डिफरेंस आप लोग समझेंगे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास में है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो मेरे दोस्तों अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूंगा तो जेएसडब्ल्यू स्टील के, मतलब जिंदल जो स्टील है हमारे उसके ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। रोहित शर्मा ला लीगा के हैं, ऐसा फुटबॉल क्लब जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पहले नॉन फुटबॉलर रोहित शर्मा है। जसप्रीत बुमराह मेरे बच्चों जल्दी से बता देंगे किसके ब्रांड एम्बेसडर है, और पॉली उमरीगर अवार्ड इस बार किसको दिया गया था, जसप्रीत बुमराह को दिया था। आंसर आ जाएगा श्रद्धुल ठाकुर, तो श्रद्धुल ठाकुर यहां पे हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिएगा आगे बात करेंगे, कोई डाउट है आप लोगों का तो मुझे यहां पर बता देंगे। बहुत बढ़िया शानदार, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रख दिया है, तो छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कौन से हवाई अड्डे का नाम रखा मेरे दोस्तों, तो जब भी छत्रपति की बात आएगी या शिवाजी की बात आएगी संभाजी की बात आएगी तो महाराष्ट्र हमारा आंसर आ जाएगा। महाराष्ट्र में जो मुंबई है मेरे दोस्तों, तो मुंबई के अंदर आप लोगों का क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज आप लोगों का जो है नेशनल एयरपोर्ट है। उड़ीसा की मैं बात करूंगा भुवनेश्वर में तो बीजू पटनायक के नाम से आप लोगों का एयरपोर्ट है। बच्चों कर्नाटक की मैं बात करूंगा तो बेंगलुरु की कैंपे घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और तेलंगाना हैदराबाद की मैं बात करूंगा तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सारे एयरपोर्ट आप लोगों को पता लग गए, तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो दोस्त पहली बार इसको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का लाइव टेस्ट है, डेली आप लोगों का होता है, जो कि पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं उस पे बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे दोस्तों कौन से शहर में की गई, तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है आप लोगों की नैनो साइंस पर और टेक्नोलॉजी पर वो कौन से शहर में आप लोगों की गई है, पुणे के अंदर, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। तो बच्चों देखो ध्यान से समझेंगे,
नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों की गई है वो कहां पर की गई है? कोलकाता के अंदर। सर कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? मेरे दोस्तों हुगली नदी के किनारे पर है और दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का सोख कहा जाता है। अच्छा मुझे याद आया कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है ये। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में एक जिला है आप लोगों का, डेट इज नादिया डिस्ट्रिक्ट, और नादिया डिस्ट्रिक्ट में कन्याश्री विश्वविद्यालय ओपन होंगे। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्याश्री विश्वविद्यालय कौन से राज्य में ओपन किया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में, और कौन सा जिला होगा? नादिया जिला होगा वेस्ट बंगाल का। बच्चों बेंगलुरु की बात करूंगा तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं, और इस बार जो जन सेवक स्कीम है उसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। बच्चों नई दिल्ली की मैं बात करूंगा तो इस बार का इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि 39वें नंबर का था दिल्ली में आयोजित किया गया था। और पुणे की हम बात कर लेंगे, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? पुणे के अंदर है, याद रखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्यूल हम सफर। तो फ्यूल हम सफर जो एक ऐप है मेरे दोस्तों, किसने उसको लॉन्च किया है आप लोगों का? अगर पूछ लिया जाए तो फ्यूल हम सफर ऐप को लॉन्च किसने किया है, जल्दी से मेरे सभी साथी देखिएगा। लाइक ना बड़े कम है तो लाइक एक बार यार जल्दी से फटाफट कर देंगे आप लोगों के, कि जो लाइक है वो आप लोगों के बड़े काम है। बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से सबसे ज्यादा, तो देखिएगा फ्यूल हम सफर एक मोबाइल ऐप है जिसको डिलीवरी मतलब डीजल की डिलीवरी होगी कहां पर मेरे दोस्तों? घरों के अंदर। तो यहां पर अगर पूछा जाएगा तो संतोष गंगवार, जो डीजल वगैरह है उसकी घरों पर डिलीवरी की जाएगी। फ्यूल हम सफर लैब को लॉन्च किया है संतोष गंगवार ने। नितिन गडकरी मेरे दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान डीजल पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोई डाउट यहां पर हो तो मुझे आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा अभी तक 1000 लाइक नहीं हुए, जल्दी से दोस्तों आज 1000 लाइक पार हो जाने चाहिए खत्म होने से पहले पहले। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कौन सी राज्य सरकार, अभी आंध्र प्रदेश आपको पढ़ाना बाकी है, कौन सी राज्य सरकार मैं भी डिजिटल हूं नाम से डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करेगी? देखो हमेशा मैं कीवर्ड को पुट करता हूं, ध्यान से समझेंगे, मैं भी हूं डिजिटल, ये किया है मेरे दोस्तों किसने? करेला सरकार करने वाली है, करेला मतलब केरला सरकार, तो केरला सरकार इसको लॉन्च करने वाली है, मैं भी हूं डिजिटल। अब आप लोगों को दो बातें याद रखनी है, साक्षरता के मामले में त्रिपुरा नंबर वन पहुंच जाता है, केरला नंबर टू। जब सेंसस आया था उस टाइम केरला नंबर था, लेकिन त्रिपुरा नंबर वन निकल जाता है और केरला नंबर टू पे आ जाता है साक्षरता के मामले में। और अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो केरल का एक राज्य है डेट इज पलक्कड़। मेरे दोस्तों पूछा गया है कई बार बैंक एग्जाम के अंदर कि पलक्कड़ जो जिला है वो कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। 100% जिसका लिटरेसी रेट है, पलक्कड़ मतलब पढ़क्कड़, ओके, जिसमें 100% बैंकिंग स्टेट है और 100% आप लोगों का क्या है? लिटरेसी स्टेट है, याद रखेंगे। सर साक्षरता लिटरेसी से याद आया, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को आप लोगों का जो है मेरे दोस्तों वर्ल्ड लिटरेसी डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बिहार के कौन है? फागू चौहान है गवर्नर, ओके दोस्तों। और अगर मैं बात करूंगा विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है, और अगर पूछा जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के अंदर है। बच्चों झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों का आज का। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप, डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषिंक, डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषिंक विकसित किया है मेरे दोस्तों COVID-19 के मरीजों के लिए, किसने किया है? सर आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे ने डिजिटल स्टेथोस्कोप को लॉन्च किया है। इस वीक में जब आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा किस आईआईटी ने क्या क्या किया सारा एक साथ बता दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु वेंटिलेटर बनाया है, तो प्राण वायु वेंटिलेटर किसने बनाया मेरे दोस्तों? आईआईटी रुड़की ने। यह बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। और आईआईटी बॉम्बे क्या है? डिजिटल स्टेथोस्कोप है, याद रखेंगे। मेरे दोस्तों इंदौर पहला शहर है जिसने क्या किया था, शहर को सैनिटाइज करा दिया गया था, और पिछले 4 सालों से सबसे खूबसूरत शहर में आता है, सॉरी क्लीन सिटी में आता है कौन? इंदौर। यह बात आप लोगों को याद होंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन एम्स ऋषिकेश से है मेरे बच्चों। एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली नहीं है, ऋषिकेश है।
इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग का सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया कोई भी दूर दराज किसी भी गांव में कहीं पर भी कोई बैठा है तो उसका चेकअप हो जाएगा COVID-19 से। तो फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एम्स ने मेरे दोस्तों BEL के साथ में मिलकर के किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु के अंदर ही है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों का कौन कौन सा एम्स ऋषिकेश है और जो हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो आप लोगों का किसने किया है मेरे दोस्तों? एम्स ऋषिकेश ने। ये बात क्लियर हो गई? हां जी, डेली सुबह 6 बजे एसएससी अड्डा पर आप लोगों को आना है। बच्चों डीआरडीओ ने क्या किया है, तो डीआरडीओ की जो डीआरडीएल लैब है मेरे बच्चों, उसने क्या किया है जल्दी से बता देंगे। जो डीआरडीएल लैब है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, कहां पर मेरे दोस्तों? पुणे के अंदर है, जल्दी से बताएंगे क्या किया है। और आईसीएमआर और भेल के बारे में बताएंगे, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ये लाइव टेस्ट है आप लोगों का। आगे बात करेंगे बच्चों, विशु एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन से राज्य का? तो देखिएगा, वार्षिक फसल महोत्सव है विशु, कौन से राज्य का है? मणिपुर का है, मेघालय का है, बिहार का है, या फिर मैं बात करूंगा केरल का? तो दोस्तों बात आ जाएगी केरल का, विशु केरल का है। मणिपुर में एक तो लिली फेस्टिवल है आप लोगों का, एक संघई महोत्सव है, एक ऑरेंज फेस्टिवल है, ये आप लोगों का कहां का है? मणिपुर का है मेरे दोस्तों। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इकलौता नेशनल पार्क तैरता हुआ, वो आप लोगों का कहां का है दोस्तों? मणिपुर का है, जो कि लोकटक झील के अंदर है और उसके अंदर संघई हिरन या डांसिंग डियर आप लोगों का पाया जाता है। जो आपका संघई हिरन है मेरे दोस्तों वो मणिपुर का स्टेट एनिमल है, याद रखेंगे। मेघालय में आप लोगों का याद आ जाएगा चेरी ब्लूसम, तो चेरी ब्लूसम फेस्टिवल कहां का है? मेघालय का है। वॉक टू वर्क कैंपेन मेघालय सरकार ने शुरू किया था। बच्चों यहां पर आ जाएगा बिहार की बात करूंगा, छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और ये बिहार का है मेरे बच्चों। आपसे पूछा गया था छठ पूजा में कौन से भगवान का पूजन करते हैं, तो सूर्य भगवान का पूजन करते हैं। और बिहार की कैपिटल है मेरे दोस्तों पटना, और पटना के अंदर जो एयरपोर्ट है आप लोगों का वो है जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखेंगे। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात आप लोगों ने सुनी होगी, कास्ट बेस्ड सेंसस। तो मेरे दोस्तों जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसको सबसे पहले लॉन्च कौन करने जा रहा है? बिहार उसको सबसे पहले लॉन्च करने जा रहा है, याद रखेंगे। प्यार का पौधा मेरे दोस्तों बिल्कुल राइट, बिहार का है। सर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप हाउ मेनी सुरक्षा स्टोर्स? तो बच्चों सुरक्षा स्टोर्स जिसके अंदर खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ओपन करने जा रही है और पूरे देश भर में 20 लाख सुरक्षा स्टोर को ओपन करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 लाख सुपर जो आप लोगों के सुरक्षा स्टोर है उनको ओपन करेगी, इस बात को याद रखेंगे। कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिएगा, चलते हैं बच्चों आज के स्टेट की तरफ, और स्टेट में हमने पढ़ना है फाउंडेशन ईयर, ऑफिशियल लैंग्वेज, कैपिटल सिटी, मतलब स्टेट में इतनी चीजें, ये स्टेट का इंडेक्स है जिसमें मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, एनिमल हो, वर्ड हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, सारी चीजें इसमें पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। स्कीम चाहे हो चाहे आपका कुछ भी हो, हर स्टेट के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो स्टेट ऑफ द डे में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का मेरे बच्चों फाउंडेशन ईयर आप लोगों का क्या है बच्चों? 1 नवंबर 1956 इसका फाउंडेशन ईयर है। भाषा के आधार पर बटने वाला सबसे पहला आप लोगों का राज्य है। और बच्चों अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश है ये, यहां पर बच्चों आंध्र प्रदेश की आप लोगों की क्या है, आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है मेरे दोस्तों वो आप लोगों की तेलुगु है। तो अरुणाचल प्रदेश भावनाओं में आ गया था, आंध्र प्रदेश है। ओके दोस्तों याद रखेंगे, तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। भारत के किस हिस्से में पड़ता है? तो मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल सिटी मेरे दोस्तों अमरावती है। कौन सी नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी के किनारे पर है। कौन सा राज्य अभी आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था? तेलंगाना अलग किया गया था मेरे दोस्तों, तो तेलंगाना को अभी अलग कर दिया गया था। सर जी लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों विशाखापट्टनम जो है यहां पे लार्जेस्ट सिटी के तौर पे आप लोगों की आई है, जिसको कई बार आप लोगों ने सुना होगा विजाग भी आप लोग बोल देते हैं, ठीक है? तो विशाखापट्टनम लार्जेस्ट सिटी है। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछने लगे भाषा के आधार पर बंटने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ओके उसके बाद अगर मैं बात करूंगा मेरे बच्चों 19वें मुख्यमंत्री का नाम, देखो अभी टाइम की कमी को देखते हुए मैं आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा कि किस कमीशन ने आंध्र प्रदेश को क्या किया था, अलग किया था, कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन पर, कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट करते हैं आंध्र प्रदेश से, वो सब हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। टाइम की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट मुझे करना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, तो यहां पर जो है आप लोगों का YS जगन मोहन रेड्डी हमारे क्या है आंध्र प्रदेश के सीएम है, याद रखेंगे 19वें नंबर के सीएम है। दोस्तों पहले सीएम कौन थे आंध्र प्रदेश के, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और छठे नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे, इस बात को क्या रखेंगे याद रखेंगे, छठे नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। बच्चों बात करेंगे गवर्नर की, तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो राज्यपाल है यहां के, याद रखेंगे। और हाईकोर्ट कहां पर है, अमरावती में है, जेके माहेश्वरी इसके क्या है मेरे दोस्तों चीफ जस्टिस हैं। इसकी नई हाईकोर्ट बनी थी 1 जनवरी 2019 से काम कर रही है, तो टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट है और लास्ट में अमरावती ही बनी थी, याद रखेंगे इस चीज को। कोई डाउट है मुझे, बहुत बढ़िया। हां जी टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भी हुई थी, बहुत बढ़िया। बच्चों जिले कितने हैं, 13 हैं। अगर विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो 175 है, लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 11 है, इनको रिमाइंड कर लेंगे। बच्चों बॉर्डर स्टेट में तेलंगाना आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटका और तमिलनाडु आप लोग देख रहे होंगे। देखो यहां पर देखो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के क्या है, आप लोगों के कर्नाटक हो गया यहां पे भी और तमिलनाडु हो गया। दोस्तों एक और बात बता दूं, ये जो कोस्ट लाइन दिख रही है ना इधर, पानी 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 पानी, सेकंड लार्जेस्ट जो कोस्ट लाइन है 975 किलोमीटर की, वो आंध्र प्रदेश की है। और सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है तट रक जो है आप लोगों का, वो मेरे बच्चों गुजरात का है 1600 किलोमीटर। इस बात को आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। आगे बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ क्लास, सुबह 6 बजे से लेकर 7:15 तक। बच्चों श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहां पर है, तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश के अंदर है। और पपीकोंडा, तो पपीकोंडा जो है मेरे बच्चों वो भी आंध्र प्रदेश का, इसकी ट्रिक बताऊंगा कल आप लोगों को। आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक गांव है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जो कुचिपुड़ी गांव है मेरे दोस्तों वो आप लोगों का कहा, इसका डांस भी है क्लासिकल डांस, वहीं से ओरिजिनेट हुआ था। ओके दोस्तों अभी आप लोगों की जो हमारे रवि सर है उनकी क्लास भी आएगी एडिटोरियल की, तो आप उसको ज्वाइन करना मेरे बाद में, ठीक है चलिएगा। बच्चों स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, आप लोगों को पता है। स्टेट का जो मेरे बच्चों तोता है अगर मैं बात करूंगा वर्ल्ड की, स्टेट ट्री नीम का पेड़ है, सभी लोग जानते हैं। और चमेली का फूल मेरे बच्चों स्टेट फ्लावर है, ये चीजें कई बार एग्जाम का पार्ट बन सकती है। ओके बिल्कुल, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो कोई डाउट है तो मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अरे बच्चों वो भावनाओं में गलत बोल गया आप लोग, महाराष्ट्र कहां पहुंच गए, गलत हो गया, बिल्कुल समझ गया मैं, महाराष्ट्र गलत हो गया लेकिन वो भावनाओं में बोल गया और कुछ नहीं है, फटाफट करने के चक्कर में। फटाफट कौन करवाता है, फटाफट भी तो आप ही करवाते हो, ठीक है, फटाफट कौन करवाते हैं। हां जी कल हुआ था आशी कश्यप जी, 2 दिन आप लोगों का स्टेट चलता है सेम स्टेट, याद कराने के लिए और नई चीजों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों के डेज एंड डेट है अप्रैल के, इनको आप लोग देख लेंगे। और सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के कोई बात है, तो सारी चीजें पसंद आ रही है। ओके बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णा मिश्रा जी पता लग गया ना, ठीक है लो ले जाता हूं वापस, ठीक है। ये आप लोगों का ये रहा मैप भैया, ठीक है, तो आप लोगों का ये देख लो, ये देख लो यहाँ पे कहां से दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार जल्दी से। ये पहले आता था जब मैं आपको बताता हूँ, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, मैप के थ्रू ही बता देता हूं, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब आ जाता था, ठीक है, तो अभी नहीं है, तो भावनाओं में बह करके महाराष्ट्र यहाँ पे बोला गया है, बाकी आप लोगों को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये सारा का सारा, ठीक है चलिएगा। कोई डाउट है तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है जल्दी से बताएंगे। कोई डाउट है यहां पर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। और बच्चों इसमें क्या करना है आप लोगों को, डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर ताजा ताजा में आ जाना है। आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ओके नींद नहीं आ रही है अट्टा जी, वो आप लोग बात ही ऐसी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, मतलब ये चीजें गुस्ताखी, माफ करे सम्राट किल्विस। ओके
आगे बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा बैच है करंट अफेयर का, जिसको कोई इसी को परचेज करना है तो बच्चों क्या करेंगे, विजिट करेंगे अड्डा 247 पर और करंट अफेयर मास्टर सर्च करेंगे और कोड यूज करेंगे Y177, कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज कुछ भी आप लोगों को परचेज करना है, ठीक है भैया। पीडीएफ मिलेगी अनुज जी, पीडीएफ आप लोगों को 10 बजे तक मिल जाएगी, कल वाली भी पीडीएफ पड़ी हुई है, आप लोग देखना ध्यान से, अभी मैंने चेक किया था, और कोड यूज क्या करेंगे Y177, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, और बताओ पीडीएफ जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगी, कल की पीडीएफ दिखाऊं अभी फोन में कॉल करके आप लोगों को, और बच्चों जो नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे बात करूंगा तो शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को सेशन, ठीक है। 8 बजे क्लास होगी पवन जी, मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर के, ओके चलेगा, मिलते हैं, ठीक है चलेगा, आगे चलते हैं फटाफट से, तो चलते हैं, मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।